सर 25 करना है आज। 25 करना। यस सर। यस ट्वेंटी फाइव। अच्छा अभी 25 में हमारे पास दो तरह की आ गई मेथड, एक वो नॉन रिपीटिंग और दूसरा एक रिपीटिंग वाला जिसमें पेड़ नहीं बनते। ये रिपीटिंग वाला आ रहा है, ये नॉन रिपीटिंग है लेकिन इसके पेड़ नहीं है। इसको कैसे करना है, हमने लिखना कैसे है, 2x² माइनस एक्स माइनस सेवन ओवर एक्स प्लस टू का होल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास ए ओवर एक्स प्लस टू प्लस बी ओवर एक्स बी एक्स एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। लगी समझ, जो रिपीट हो रहे थे उसको दो टाइम कर लिया और जो कम्प्लेक्स था हमारे पास उसको हमने क्या कर लिया, जिसके पेयर्स नहीं बनते थे उसको हमने लिख लिया सी एक्स प्लस डी। अब इधर से हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2x² माइनस एक्स माइनस सेवन इक्वल टू ए एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन प्लस बी जमीन बी और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और सी एक्स प्लस डी के साथ आ जाएगा एक्स प्लस टू का होल का स्क्वायर। अब फर्स्ट वाले में से जब हम वैल्यू निकालते हैं तो इधर से वैल्यू निकलेगी एक्स इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू इसमें पुट करेंगे जीरो, माइनस टू इसमें पुट करेंगे जीरो, माइनस टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू फोर माइनस टू टू, टू प्लस वन थ्री बन जाएगा, ये बन जाएगा थ्री बी, इसमें जब टू पुट करेंगे माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर टू आर एट, माइनस माइनस ये ऐसे पुट करेंगे टू माइनस टू का स्क्वायर माइनस माइनस टू माइनस सेवन, माइनस माइनस प्लस टू फोर माइनस टू हो जाएगा, ये फोर बन जाएगा फोर और प्लस टू सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स माइनस सेवन तो ये आ जाएगा माइनस वन और इधर थ्री बी, इधर से b की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस वन ओवर थ्री। असना क्या कर रहे हो आप, सही ऊपर वाले का नहीं समझ आई, ये फर्स्ट ईयर का पांचवा चैप्टर आता है जी, तो वही काम किया है हमने, पार्शियल फ्रैक्शन किया हमने। ये मैं आपको ना वीडियो शेयर कर दूंगा इसकी, ओके ओके, हाँ जो इस एक्सरसाइज की है ना वीडियोस, बल्कि कल वाली भी अभी सेव तो हुई मेरे पास, वो मैंने शेयर नहीं की, वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ तो उधर से चेक कर लेना ये काम क्या करते हैं हम, पार्शियल फ्रैक्शन की है जिसमें रूट रिपीट हो उसको हम लिख लेते हैं एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू का होल का स्क्वायर, स्क्वायर तक जाना था हमने, और जो हमारे पास रूट्स जिसके नहीं बनते उसके रूट्स के लिए साथ हम क्या लगाते हैं सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ऐसे ये बी का आंसर आ गया, अब हमारे पास ए का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर इधर हम करेंगे 2x² माइनस एक्स माइनस सेवन, अब इनको सबको मल्टीप्लाई भी करना है अंदर, ये बन जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस 2x ए एक्स के टू नहीं आएगा, ये बन जाएगा ए एक्स के प्लस ए, आगे बनेगा प्लस टू ए एक्स के प्लस टू ए एक्स प्लस टू ए, फिर दूसरी टर्म को जब एक्सपेंड करेंगे प्लस
bx² + bx + b। जब tc को एक्सपेंड करेंगे ये बन जाएगा cx² + 2cx + dx + 2d। अब हमने देखना है कि हमारे पास b का आंसर मौजूद है, हम बाकी के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखें, अब हमारे पास क्यूब वाली टर्म और कोई भी नहीं आ रही, क्यूब की टर्म जस्ट किसमें आ रही है, a में। इसमें a का आंसर हमारे पास है इधर, इधर है a हमारे पास। जब कोफिशियंट कंपेयर करेंगे, इक्वेट द कोफिशियंट ऑफ, कंपेयरिंग द कोफिशियंट ऑफ x³, तो इधर a आ गया, इधर इसका कोफिशियंट क्या है, 0। तो इसका मतलब a का आंसर आ गया 0। ठीक हो गया जी। हमारे पास कोई और तो नहीं ना जिसमें हम देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर। नहीं अली एक गलती की है मैंने इधर से, आपने भी बोला सर वो मैं बुक बुक का देख रहा हूँ जहाँ से सवाल किया हूँ, मैं बुक ढूंढ रहा था अभी मैं 2-3 बार। अच्छा, ये देखो ये हमने इधर से थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी, आपने किसी ने बताया प्लस सी एक्स प्लस डी, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने कहा ए का आंसर 0 नहीं आना चाहिए इसमें, इसमें सभी के आंसर कोई ना कोई आते हैं। सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस 2 का होल का स्क्वायर था, इधर हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, इधर बनना था x² + 4x + 4, a² + b² + 2ab। जब इसको सी एक्स से मल्टीप्लाई करना था तो इधर हमारे पास टर्म काफी चेंज हो जानी थी, सी वाली इधर से हमारे पास आ गई प्लस, आ गया cx³ + 4cx² + dx² + 4dx + 4d। अब देखें हमारे पास कोफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे, इधर हमारे पास 0 है, इधर हमारे पास a प्लस सी आ गया, लेकिन इसमें से हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ना तो हमारे पास नहीं है। हाँ हाँ जी ये देखें, कुछ नहीं सर वैसे ही गलत हो गया। हाँ ये एक आ गया, और इधर इस साइड पे कोई भी नहीं है हमारे पास, तो इस साइड पे हमारे पास 0 आ गया। अब ना तो हमारे पास a की वैल्यू है, ना हमारे पास c की वैल्यू है, इसका मतलब ये फाइंड आउट करने का कोई फायदा नहीं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं x² को, x² हमारे पास इधर x² वाली टर्म्स कितनी का आ रही है वो हमने चेक करना है। इधर x² के साथ आ रहा है हमारे पास a और इधर 2a, और x² के साथ इधर b आ रहा है, और इधर x² के साथ c भी आ रहा है, d भी आ रहा है, लेकिन ये भी हमारा काम नहीं खत्म करेगा। अगर हम सिंपल b वाले a वा कांस्टेंट देखते हैं तो वो भी हमारे पास काम नहीं खत्म होगा। हमने देखना है कि b वाला काम, हमने इनकी 3 क्वेश्चंस बन जाएंगी, उन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा हमें ना। इधर देखो कांस्टेंट a आ रहा है, इधर कांस्टेंट 2a आ रहा है, ये 3a हो जाएगा, b और ये d। इधर से हमारे पास 2 क्वेश्चंस बन गई, a प्लस 2a कितना हो गया 3a, प्लस b प्लस एट द एंड ये लिखा हुआ है 4d इक्वल टू, उधर क्या आ रहा है x की जगह -1, नहीं सॉरी ये कांस्टेंट है, -7 आएगा। तो 3a हमारे पास एज इट इज, प्लस 4d भी एज इट इज क्योंकि दोनों की वैल्यू नहीं है, -7 - b, b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, b की वैल्यू पुट कर दो, -(-+1/3) हो जाएगा, ये बन गया 3a + 4d, ये बन जाएगा 21 - 20 - 20/3 जब एलसीएम लेंगे। अब ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन बन गई, एक क्वेश्चन हमारे पास ये होगी, दूसरी क्वेश्चन हमारे पास ये होगी। अब इसे इधर से हमने देखना है x² वाली जब कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो उसमें से कौन सा आता है। अली ये कंप्लीट कर लें, अच्छा आप बताएं ये कंप्लीट कर लें या रहने दें इसको, बहुत लेंथी बन जाएगा ये। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया, उसको वो शेयर कर दें यहाँ पर, उसमें सवाल किया और आराम से समझ आ जाएगी सर।
उसको पैनल सारा में क्लियर फिर कर। जाए। ये दरअसल पेपर में नहीं आता इतना लेंथी सवाल। तो रहने दो क्यों आ फिर गया से दी। फिर दिमाग की खराबी है सर, रहने दे। क्योंकि ये बहुत वाकई दिमाग की खराबी है, ये बहुत लेंथी हो जाएगा सवाल। 30 और 31 करना है पार्ट। फिर नहीं रहने दे, ये आगे वाले बेशक छोड़ दे, सारे के सारे छोड़ दे। बस ठीक दो हो ही रह गई। गए, दो ही रह गए थे हाँ बस। वो जहां तक बेसिकली आपको बताया, ये देते हैं बेसिकली क्वेश्चन जो देना है ना इन्होंने, वो देना है क्वेश्चन नंबर 8-9 तक। और पास पेपर्स में भी एक दफा ही आया था, आपको बताया कि वो भी किसी ने दे दिया था, और लेकिन वो दिया उसने सिंपल ही था। सर बाकी बच्चों से पूछना, उन्होंने करवाना है कि नहीं करवाना बाद में फिर। हाँ, बाकी भी नहीं बता। करवाना, चले सही हो गया, नहीं करवाना, ठीक हो गया, ठीक है। सॉल्व किया हुआ दिखा दें ये। सॉल्व किया हुआ दिखा दे। सर मैंने शेयर किया व्हाट्सएप पे, वो खोल देना यस सर, सर वो वो वाली किसी बुक ने शेयर खोल की लें है जो आप उसने स्टैंड बताओ। की। उल्टी सीधी तस्वीरें शेयर की हैं आप। जल्दी जल्दी में शेयर करते हैं सर। अच्छा मैं दिखाता हूँ उसका ना तस्वीरें। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर। खाली ये नहीं देखा जाना। दोबारा सेंड कर सर, आप 3.6 शुरू करें, इसकी सीरीज शुरू हाँ ये करवानी नहीं करते, क्योंकि 3.6 के हैं, फिर स्टार्ट कर लेते हैं हम। है। यस सर आप लोग करें। 3.6 की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ये बहुत डीप क्लास, आप वो इधर ही देखो फिर। अभी अली नेक्स्ट छोड़ दो, इसको कोई मसला नहीं। थ्री पॉइंट सिक्स एक्सरसाइज बुक सबके पास पड़ी है सामने। यस सर। नहीं रहने दे। अच्छा भी इसमें बेसिकली हमारे पास अब करना क्या है? अच्छा भी इसमें डेफिनेट इंटीग्रल आता है सबसे पहले ना। अब पहले वाला जो हम पढ़ रहे थे वो था इनडेफिनेट इंटीग्रल। हमें नहीं पता मतलब वो कौन सा आंसर देगा कौन सा आंसर नहीं देगा। उसमें हम एक्स का आंसर आ रहा था, एक्स में या वाई वेरिएबल में या थीटा वेरिएबल में ना कोई आंसर आ रहा था। इनडेफिनेट इंटीग्रल सिंपल इंटीग्रल होता है, मतलब जैसे ये है आगे कोई ना कोई फंक्शन होगा और साथ डी एक्स। ये था इनडेफिनेट, मतलब हमें पता ही नहीं हमने किधर जाना, किधर मूव करना, किधर नहीं मूव करना। जो भी आंसर आ गया हमें नहीं पता वो किधर है, कहाँ पे लाई गए। लेकिन जब डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तब हमारे पास हमें कंफर्म हो जाता है हमने कहाँ पे जाना है। मतलब अगर आपका दिल, आप स्कूल जाते हैं, लेट्स सपोज स्कूल या कॉलेज जाते हैं, तो आपको पता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपका कोई ना कोई एक पॉइंट का आंसर होगा। लेकिन जब आप मतलब दिल्ली ना कर रहा हो कहीं जाने को, ऐवे ही घूम घूम आगे आ जाओ, वो हमारे पास इनडेफिनेट में होता है। ये होता है डेफिनेट में। डेफिनेट में बेसिकली होते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने का मेथड ये है, जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे ना, इंटीग्रेशन वही स्टेप, लेट्स सपोज इसकी इंटीग्रेशन आ जाती है हमारे पास फाई ऑफ एक्स प्लस सी, और ये हमारे पास ए बी। ये लिमिट्स हमने कैसे पुट करनी है? पहले अपर लिमिट बी माइनस फिर लोअर लिमिट। ये फाइव क्या है? ये फाइव बताइएगा।
फाइव मतलब ये आंसर है ना, आंसर दे दिया, कोई भी आंसर आ गया हमारे पास, हमने सपोज किया है। और ये आपका सी कहाँ गया, ये सी आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ जाता है आपका, एफ ऑफ ये हमारे पास बन जाएगा ए प्लस सी, आपको बोला है पहला ऊपर वाला फंक्शन पुट करना है बी माइनस फाइव ऑफ ए प्लस सी। अब ये देखें फाइव ऑफ बी माइनस प्लस सी माइनस फाइव ऑफ ए माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गया, फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए, मतलब अपर लिमिट पहले पुट करनी है माइनस लोअर लिमिट, सी वाला कंसेप्ट ही नहीं है इसमें। एक मिनट होल्ड कर, ये ना एफबीआर वालों ने थोड़ा सा तंग किया हुआ, आज थी उसकी आखिरी डेट एफबीआर की जो रिटर्न जमा करवानी होती है ना, मैंने तो करवा ली थी, वो क्लिक की करवानी थी, इसलिए वो सारे कह रहे थे मुझे करवा के देंगे। अच्छा भी ये हमारे पास इंडेफिनेट में हमें पता है कि हमने किसी एक टारगेट, लेट्स सपोज ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, वन टू एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, इसकी बनेगी एक्स स्क्वायर ओवर टू। इसमें साथ आपने सी नहीं लगाना, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, सी नहीं लगाना आपने, डेफिनेट में आपको पता है आपने एक स्पेसिफिक स्टेशन पे जाना है, आपको कंफर्म है उसका। अब ये वन इसमें टू पुट करेंगे, पहले टू का स्क्वायर ओवर टू माइनस वन का स्क्वायर ओवर टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इसमें पुट की हमने, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की, ये क्या बन गया फोर ओवर टू माइनस वन ओवर टू, ये बन गया टू, या ऊपर से वैसे ही ऐसे ही कर लो, एलसीएम सेम आ गया, फोर माइनस वन ये बन जाएगा थ्री बाय टू। ये बाद का तो एमसीक्यूज में उसमें आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन जो करवाया अभी, लिमिट्स इसकी कोई और दे देता है वो। इसके साथ मोड क्यों लगाया हमने, मोड नहीं है ये, इसकी मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने का मेथड है। ठीक सर, जब हमने अपर लिमिट लोअर इंटीग्रेशन जब आ गई ना, फिर कौन सा कट करना, अच्छा हाँ हाँ, इसमें हमें कंफर्म हो गया है हमें कांस्टेंट नहीं मिलना, ये वाला जो कांस्टेंट है ना, आपने जैसे बोला है कि हाँ क्वेश्चन आपका ठीक है कि जैसे सर हमने देखा था उधर कांस्टेंट सेवन आ रहा था, इसका कांस्टेंट शायद टू हो, अब इसमें हमें पता है जब इसका कांस्टेंट आना, ये एक क्वेश्चन का कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट हमारे पास कोई ना कोई एक ही आएगा ना, सेवन आ गया, लेट्स सपोज इधर भी सेवन है तो फिर इधर भी क्या होगा सेवन, तो इधर भी माइनस प्लस सेवन और इधर माइनस सेवन, तो फिर भी आपस में कट हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट इन शॉर्ट डेफिनेट इंटीग्रल में जो मर्जी कांस्टेंट आ जाए वो क्या हो जाएगा, सारे का सारा खत्म हो जाएगा। और ये हमारे पास आपको बताया था इसका, ये जब हमने लिमिट पुट करनी है ये ब्रैकेट्स लगाई हैं हमने स्ट्रेट लाइन, जब इसकी इंटीग्रेशन आ गई तो स्ट्रेट लाइन लगा के हमने क्या कर देना है उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट साथ लगा देनी हमने। ठीक हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट हो गया, प्रॉपर्टी समझ लगी सर। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, नेक्स्ट हमारे पास इसमें कहता है इफ द लोअर लिमिट इज कांस्टेंट
and the upper limit is a variable, then the integral is a function of the limit. That is, अब ये कह रहा है कि कहता है कि हमारे पास फंक्शन बनेगा कैसे, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको अभी करवाता हूँ. ये एग्जाम्पल आपके पास अगर बुक पड़ी हुई है तो उसमें सबसे पहली जो एग्जाम्पल आ रही है ना पेज नंबर 151 पे. Yes sir, 3t square. हाँ 3t square और ऊपर देखें लिमिट्स उसमें क्या पुट की है, x और a है. हाँ मतलब उसने बोला है कि अगर कहता लोअर लिमिट कॉन्स्टेंट हो और अपर लिमिट वेरिएबल हो तो देन उसका हमारे पास जो है फंक्शन वो t होगा dt, क्योंकि x तो आ गया ना इधर. तो इसको हमने कैसे सोल्व करना है, उसी तरह phi of t और ये हमारे पास अपर लिमिट और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट. फिर इसको हम सोल्व करेंगे phi of x माइनस phi of a. करना वही मेथड, तरीकाकार वही है सारे का सारा. अरे एक बार रिपीट कर दे जरा इसका. ये देखें जैसे ये एग्जांपल नहीं दी हुई इंटीग्रेशन x और इधर दिया हुआ 3t स्क्वायर dt. इसका एलसीएम क्या, ओ सॉरी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, t क्यूब ओवर 3 a और साथ इधर x, 3 से 3 कैंसिल हो गया. अब ये कहता है फंक्शन बनेगा ये अगर हमारे पास एक एक कांस्टेंट हो, एक मिनट, एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो तो ये इसका जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट नंबर होगा. और सॉरी कांस्टेंट नंबर नहीं होगा, वो बनेगा, इसमें तो कांस्टेंट नंबर आ रहा था ना जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था 3/2. अब इसमें कहता है हमारे पास एक फंक्शन ही बनेगा वो दोबारा. फिर वो देखें इसमें जो पुट करेंगे तो हमारे पास अपर लिमिट पुट की एक्स एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब. अब इसमें कोई कांस्टेंट नंबर नहीं आंसर आया, मतलब 2, 3, 5/7 इस तरह का आंसर नहीं आया. जब कहता है हमारे पास एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो तब एक फंक्शन आंसर आता है. क्लियर? यस सर. हाँ असना क्या पूछ रहे थे आप? तो ये 3t³/3 क्यों आएगा? ये देखो ना ये इसका एलसीएम 3 कांस्टेंट बाहर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होती है, 2+1, 3, 2+1. क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं. ये तो सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई की है, इसमें तो कुछ भी नहीं किया मैंने. इंटीग्रेशन ऑफ टी की क्या होती है बोलो? टी का इंटीग्रेशन क्या होगी, उसकी पावर में एक ऐड कर दो वही पावर नीचे, ये बनेगा टी स्क्वायर ओवर 2. अगर इधर स्क्वायर हो तो फिर क्या बनेगा, 2+1 तो इधर यही तो किया है उधर भी मैंने. यस ठीक हो गया जी. चलें जी अच्छा भी नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया ऑफ अ लिमिट. एरिया अंडर द जो हमारे पास होती है ना कर्व, एरिया अंडर द कर्व हमारे पास बेसिकली डिफाइन करता है ये देखें. आपको ये कोई कर्व जा रही है, कहता है ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट करना है. लेट्स सपोज ये वाला एरिया, ये इतना एरिया, ये शेडेड एरिया जो मैंने किया ना, कहता ये एरिया अंडर द कर्व. अगर हमें पता हो कि हमारे पास स्क्वायर है उसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता हो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम है उसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास ट्रिपजाइडल आती है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. इन सब का एरिया हमारे पास फार्मूला गिवन है, इन सभी का फार्मूला हम मालूम कर सकते हैं. लेकिन जब आता है ना एरिया अंडर द कर्व उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने इसका इंटीग्रेशन करनी है. ये बेसिकली इंटीग्रेशन को बताता है. ठीक है ये बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेशन को बताता है. ये इंटीग्रेशन ने ही हमें बताना है कि एरिया अंडर द कर्व हमने कैसे फाइंड आउट करना है. बेसिकली आपको शायद लास्ट टाइम मैंने बताया हो कि इंटीग्रेशन
ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर क्या आएगा कोई बताएगा? इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? e की पावर एक्स स्क्वायर ही होगी। वो तो इसका होता है e की पावर एक्स डी एक्स का होता है हमारे पास e की पावर एक्स प्लस सी। ये इधर देखो e की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन, तो वो तो आ रहा था। अब e की पावर एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव फर्दर आ रहा है, जो इसको हम लिख देंगे e की पावर एक्स स्क्वायर। इसी वजह से ये क्वेश्चन हमारे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। नहीं 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 मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते इसमें, हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, ये बात याद रखना किसी भी क्वेश्चन में। यस सर। हाँ हाँ, किसी भी क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड तब कर सकते हैं जब हमारे पास कांस्टेंट नंबर हो। तो अच्छा भी इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, तो इधर टू एक्स होना चाहिए था बेसिकली। इस वजह से हमारे पास जब भी इंटीग्रेशन इसकी सॉल्व ना हुई, उसने क्या किया, इसकी उसने कर्व बना ली, जो भी कर्व इसके पास बनती थी। अब उसने एरिया अंडर द कर्व जब मालूम करना, जैसे ये देखो ये एक कर्व मैं बनाता हूँ। अब ये देखें, जब आप एक सीधी छत हो आप उसका एरिया फाइंड आउट करना इजी होगा, या एक टेढ़ी छत हो इस तरह उसका एरिया फाइंड आउट करना इजी होगा। इसमें फिर आप क्या करते हैं, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, इसके पार्ट्स कर लेते हैं आप स्मॉल। यस सर। फिर उसका बिल्कुल माइनर, जितने ज्यादा इसको डिवीजन करते जाएंगे उतना आपका एरिया क्या होता जाएगा, एक्यूरेट आता जाएगा। देखो ना, ये हमारे पास एक कर्व है। अगर हम, मैं कहता हूँ इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, दो हिस्सों को जब डिवाइड किया ये देखो, तो ये इतना एरिया तो इसका बाकी नहीं बच गया ये वाला, और इसमें ये वाला एरिया बाकी बच गया। जब मैं इसको करूंगा चार हिस्सों में डिवाइड यही इक्वेशन को, तो ये आ गया पहला, ये दूसरा, एक दो तीन, ये आगे चार ही सौ। अब ये देखो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल माइनर माइनर सा रह जाएगा। अगर मैं इनको मजीद फर्दर मजीद ही समय डिवाइड कर देता हूँ अगर, तो वो बिल्कुल ऐसे कर्व के साथ साथ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। उधर से एग्जैक्ट अंडर द एरिया, एरिया अंडर द कर्व जो है ना हमारे पास, वो एग्जैक्ट फाइंड आउट होना शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली ना आगे आपके नेक्स्ट, अगर आप मैथ रखते हैं तो ये हायर क्लासेस की बातें हैं बेसिकली। इसका थोड़ा सा अभी तो नाना समझाए, तो इसमें थोड़ा सा हिंदी है उन्होंने दिया इसमें आपको एफएससी में ना, एरिया अंडर द कर्व। इसमें जस्ट आप क्या करते हैं, फार्मूला लगाया, वही डेरिवेटिव है, वही इंटीग्रेशन है, फार्मूला लगा के आपने सोल्व कर लेते हैं। आगे इसकी एग्जाम्पल्स दी हुई है उसने। फिर उसके बाद आपके पास पेज नंबर देखो आप 154 पे, ये जो अभी डायग्राम मैंने बनाई थी ना, उस तरह की डायग्राम उसने बनाई है। ये तीन चार पेजी थी, यही बातें सारी, ये सारी बातें यही हैं जी। ये सारी बातें उन्होंने यही लिखी हैं, जो ये आपको बता दी है ना जी। फिर उसके बाद आगे जो है पेज नंबर 156 पे देखो, स्टार्ट पे। यस सर। क्या लिखा हुआ है, नोड लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है ना, वो नोड को आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद करना है। माइनस पाई, ऊपर है पाई, और इधर आ गया साइन एक्स डी एक्स। ये एमसीक्यूज में काफी मल्टीपल ऑफ एमसीक्यूज आया हुआ है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स पाई, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, माइनस पाई। तो इसमें पुट करेंगे कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ माइनस पाई। कॉस ऑफ पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जीरो, माइनस वन, माइनस वन, माइनस। आपको पता है कॉस का माइनस अब्सॉर्ब हो जाता है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस वन, माइनस वन। नहीं लगी समझ के, नहीं ये माइनस दरमियान वाला वैसे का वैसे ही, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन,
कोज, ये आपको पता है कि कोज ऑफ माइनस पाई इक्वल टू होता है किसके, कोज ऑफ माइनस वन के, कोज पाई के, क्योंकि उसका माइनस क्या हो जाता है, अब्सॉर्ब हो जाता है, तो माइनस वन आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वन प्लस वन, एक माइनस बाहर आ रहा है, तो ये बन जाएगा जीरो, इसका मतलब इसका जवाब आता है जीरो। जी सर। अब डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास कहता है फंडामेंटल लॉ ऑफ सॉरी इसका, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल लॉ पढ़ा था ना, फंडामेंटल लॉ ऑफ इसका भी होता है हमारे पास कैलकुलस का। कैलकुलस बेसिकली होती है द स्टडी ऑफ चेंज, चेंज वो इंस्टेंटेनियस चेंज हो सकती है या चेंज वो लिमिट के थ्रू हो सकती है, वो इंटीग्रेशन के जरिए हो सकती है, क्योंकि पहले तीन चैप्टर में ही हमने ये कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, आपकी बुक का नाम भी ना, पहले तीन चैप्टर कैलकुलस के हैं। डेफिनेट इंटीग्रल तो आपको पता लग गया कि अपर में जो लिमिट आती है बी, लोअर में ए, और एक फंक्शन दिया होता है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन, यही जो अभी लिखा था मैंने एफ ऑफ एक्स, ये एमसीक्यूज आता है, ये भी फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, ये है फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये दोनों। सर ये फाई लगाना है मस्ट है आंसर में? यस। ओके, क्या फाई, फाई बेसिकली ये ना फंक्शन और चेंज कर रहा है ना, फाई आप मतलब बेसिकली तो आप किताब वालों ने तो ये दिया है, हमने इसको ही फॉलो करना है, अगर मतलब ये ना भी होता ना तो आप, आपकी मर्जी थी, इसकी जगह वो साई लगा लो, ये वाला सही हो गया, ठीक हो गया सर, ठीक है ना, लैटी करना है अपनी तरफ से। हाँ हाँ, लैटी करना है, बेसिकली ये है, मतलब ये इंटीग्रेशन के बाद हमें जवाब दे देता है फाई में, हमने कह दिया कि ये फंक्शन का जवाब इंटीग्रेशन के बाद फाई आ गया, वो साई भी हो सकता है, वो एक्साई भी हो सकता है, वो पता नहीं बहुत इस तरह की एड में होती है इनकी ना नोटेशन सिग्नल। अच्छा, अभी उसके बाद हमारे पास इसकी ही दो प्रॉपर्टीज और हैं जो हमने क्वेश्चन में आगे यूज करनी है, यूटिलाइज करनी है। इसमें आता है, कहता है कि अगर हमारे पास इसकी लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में रिप्लेस कर दें, अपर लिमिट की जगह लोअर ले आए, लोअर की जगह अपर ले आए, तो हमारे पास एक माइनस बाहर आ जाता है। वो क्यों सर? ये उसने डिफाइन किया हुआ है। आपको याद होगा उसमें करते थे हम, क्या नाम है, इंटीग्रेशन, उसमें इंटीग्रेशन क्या, डिटरमिनेंट में That. अगर दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करें तो एक माइनस बाहर आ जाता है। Yes. ठीक है ना, तो उसी तरह भी हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास बाहर एक माइनस आ जाता है। फिर इस तरह ही अगर हमारे पास इसके दरमियान में हमने एक नंबर और इंक्लूड करवाना हो, एक नंबर अपने से हमने इंक्लूड करवाना हो, मतलब वो सी है, हम कह देते हैं कि ए लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू बी, इधर बेसिकली ये है, लेकिन जब ये होगा इधर हमारे पास, हम इस फंक्शन को रखने के बाद आंसर निकाल लेते हैं सी, तो इधर हमारे पास फिर उसकी इंटीग्रेशन हमने कैसे करनी है, ए से पहले जाएगा सी तक फंक्शन, फिर सी से जाएगा बी तक वो वाला फंक्शन, ये चंद एक दो क्वेश्चन में करने है। ये क्वेश्चन किस में आता है बेसिकली, इस वाले क्वेश्चन में, ये लास्ट प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे जरा, एब्सोल्यूट वैल्यू में, एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारे पास क्या आता है, एक्स इक्वल पॉजिटिव एक्स, ये कौन आ गई है शहीना, अभी यहीं से रिमूव कर दें जरा, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स कब होगा जब ग्रेटर देन जीरो है, माइनस एक्स कब होगा जब लेस देन जीरो,
और x इक्वल टू जीरो इधर ही हमारे पास हो जाता है। अच्छा अभी ये देखें इसमें क्या किया है, इसमें हमने कहा है कि मतलब हमारे पास अगर एक फंक्शन है उसका आंसर आता है x प्लस थ्री, मतलब x प्लस थ्री है ना, तो उसका आंसर आ गया थ्री। इधर हमारे पास वैल्यू टू, इसकी वैल्यू है फाइव, और टू और फाइव के दरमियान ही वो नंबर आया ना, तो उसको हमने कैसे डिफाइन करना है, टू से लेके हमने लिमिट ले जानी है थ्री तक, फिर थ्री से लिमिट लेके जानी है फाइव तक। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, इसलिए ये जो हम अभी हमने एरिया अंडर द कर्व नहीं किया था वो पार्ट्स बना के, yes. उस पार्ट्स बनाने के मकसद ही बेसिकली ये था कि ये पार्ट्स जब बना लेते हैं ना हम, मतलब हम एक काम कर रहे हैं, पहले हम इस पूरी कर्व पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, मतलब इस पे लगा रहे हैं, उसका आंसर नहीं आ रहा सही। जब हम कर लेते हैं उसको बाय पार्ट्स, उसके पार्ट्स कर देते हैं, पार्ट्स करने के बाद हम देखते हैं तो उसका आंसर हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाता है। आगे इसका प्रूफ भी है, वो प्रूफ कहते हैं तो वो मैं इंशाल्लाह कल ना कर दूंगा, क्योंकि अब एक